रात भर पूरा गाड़ी चलाए है, सोचेंगे दो तीन घंटा कुछ बोलना चाहिए। चलाया कौन है इसमें? रात में वीडियो नहीं बनता, अगर बनता ना दिखा देते हम अंधेला में कि सो रहा है गाड़ी चला रहा है। हेलो दोस्तों, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी सुबह का 9 बज रहा है, अभी हम लोग चल रहे हैं, निकल रहे हैं आगे, इसी जगह पर रुकते हैं हम लोग। कल तो देखे थे हमारा गाड़ी लोड हो चुका था, तो निकले हैं, रात भर सफ़र किए हैं। तो अभी गर्मी है तो रात में ही ज़्यादा सफ़र होता है, दिन में तो होता नहीं उतना, और धूप भी कड़ा होते जा रहा है, तो गाड़ी कहीं रुकना पड़ेगा पेड़ उड़ देख करके। यही ठंडा समय रहता है तो चलते ही रहता है गाड़ी, तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गर्मी में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो अभी रायपुर से चले थे हम लोग, तो यहाँ तक कम से कम 110-120 किलोमीटर सफ़र किए हैं। ये खरसिया पहुँचे हैं, अभी खरसिया का बाईपास है ये, देखते हैं आगे कहीं पेड़ देख के रोकेंगे, फिर आगे कार्यक्रम आगे होगा। अभी गाइस हम लोग हरसिया में हैं और यहाँ पे देखिए एक गाड़ी पलटी हो गया है, लगता है रात में पलटी हुआ होगा। ये खरसिया बाईपास है, यहीं पे छोटा गाड़ी में परचून लोड था, परचून मतलब छोटा छोटा बहुत सा आइटम, छोटा मोटा पार्टी लोग बुक करता है, किसी का एक कुंटल 100 kg 50 kg माल रहता है, उसी को परचून बोलते हैं। वही माल का गाड़ी था, पलटी हो गया, हो सकता है ड्राइवर नींद में हो, अभी दूसरा गाड़ी में क्रॉसिंग कर रहा है माल को, उसको नुकसान तो कुछ वही होगा, माल भी टूट ही जाता है उसमें, आगे किस्मत इसका क्या टूटा। अभी दोस्तों हम लोग छाल पे रुके हैं और ये जो लोड हुआ है माल, ये पत्थर मार्बल, तो बीच बीच में हमें इसे चेक करना पड़ता है कहीं ढीला तो नहीं हुआ, अगर ढीला हो जाता तो फिर टूटने लगता है, और ज़्यादा टूट जाएगा तो फिर हम लोग का भाड़ा कट जाएगा, तो इसीलिए बीच बीच में रुककर हमें चेक करना पड़ता है ज़्यादा ढीला तो नहीं हुआ। ऐसे बीच बीच में ये टेलीवर हमें डाल के चेक करना पड़ता है कि कितना गैप बन रहा है बीच में, अगर बीच में गैप बनेगा तो देखिए ऐसा हमें एक्स्ट्रा दिया जाता है मार्बल, तो जहाँ गैप बनता है हमें बीच में ये फंसाना पड़ता है, इसी तरह बीच में फंसाना पड़ता है अगर गैप मिल गया तो। अब ये अच्छे से टाइट हो गया है, तो ज़्यादा हिलेगा तब ये आपस में टकरा के टूट जाते हैं, तो वही थोड़ा दिक्कत होता है। तो बीच में जैसे हमें समय मिलता है तो हम चेक कर लेते हैं, अच्छे से टाइट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हमको एक आम पेड़ मिला है, ये आम तोड़ने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, पत्थर से आम तोड़ेंगे, पेड़ चढ़ने में तो आता नहीं है, गिर उड़ जाएंगे तो ही डर से। अभी 2 तोड़े हैं कच्चा कच्चा, अभी पक्का एक पका हुआ देखे है, उसको तोड़ेंगे। इधर काम का मीठा रहता है, बढ़िया रहता है खाने पे, इधर स्वाद भी पूरा भयानक लगता है, जो कलमी आम रहता है कार्बेट में पका हुआ सब आम ठीक नहीं लगता, पेड़ का पका हुआ आम मज़ा लगता है, उसका अलग है चेंजिंग है खाने के लिए। सब्जी कट कर रेडी हो गया दोस्तों, ये देखिए सारा चीज रेडी है, ये आलू गोभी बैंगन ये अभी भूनने के लिए डाल रहे थे। अभी फिर गया था दोस्तों तोड़ने के लिए, देखिए तोड़ के लेके आ रहे हैं,
हाँ इतना आम क्या चीज करेगा बताओ? कहाँ आम? दिखा दिखा दिखा, पका हुआ है। देखिए इतना तोड़ के लेके आया है, चटनी बनाएंगे इसका, चटनी बना के खाएंगे अब। बहुत दोस्तों मसाला ये भुज चुका है, ये अब ये मसाला डालेंगे इसमें, कंप्लीट करके मिलते हैं दोस्तों। इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर मिलते हैं। आम का चटनी बनाने का काम स्टार्ट हो चुका है गाइस, अब बस इसको कूच रहे अच्छे से। मिक्सर वगैरह तो है नहीं तो हाथ से ही कुछ ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के देखते हैं, ट्राई करते हैं पतला करने का इसको, पर अच्छे से तो नहीं हो पाएगा, पर जितना हो सकता है ट्राई करते हैं। खाना बन गया मेरा दोस्तों, अब चले खाना खाने। चावल है, सब्जी है और ये चटनी, आम जो थोड़ा सा लड़का वही चटनी बना है, वही खा रहे हैं। यही पेड़ के पास खड़े हैं अभी, यहाँ ठंडा अच्छा है, खाना खा के थोड़ा आराम करेंगे, रात भर गाड़ी चलाया है, फिर ठंडा मौसम होगा फिर निकलेंगे। चलिए दोस्तों खाना खाने। देखिए दोस्तों आम का चटनी, गोभी का सब्जी है, बैंगन का सब्जी है, चावल है। अभी मेरा 1 बज रहा है, हम लंच कर रहे हैं, रात भर पूरा गाड़ी चलाए हैं, अभी सोचेंगे 2-3 घंटा। कुछ बोलना चाहिए? चलाया कौन है इसमें? रात में वीडियो नहीं बनता, अगर बनता ना दिखा देते हैं अंधेला में कि सो रहा है गाड़ी चला रहा है। इधर घुमाओ, दिखा देते हैं हम कितना गाड़ी चलाते हैं और मेरा उस्ताद कितना गाड़ी चलाता है, दिखा देते हैं। लेकिन अब रात को अंधेरा है, रात को कुछ दिखता नहीं है, यही चलते आप लोग का ऐसे ही प्यार मिलता रहे, एक मोबाइल खरीदेंगे रात वाला, फिर दिखाएंगे कि रात में ही कैसे टांग चढ़ा कर सोता है कि गाड़ी चलाता है। इधर देख लीजिएगा, हम गलत नहीं बोलते हैं, हम जो बात बोलते हैं एकदम सही बात बोलते हैं, हम कभी सोते नहीं है रात को। रात को सोतेंगे ड्राइवर को नींद आएगा, क्या आएगा देखना पड़ता है, यही चलते हम नहीं सोते हैं, हम रात को गाड़ी फुल चलाते हैं, यही चलते हम सोते नहीं है। ठीक है, आप लोग ऐसे हेल्प करते रहिए, जल्दी जल्दी नया मोबाइल लेंगे बड़ा, फिर नाइट का इसको दिखाएंगे कि कहाँ सोएगा और कहाँ सुबह उठेगा। एक पिक्चर में देखे थे, एक स्टार बोला था कि वो प्लेन में चढ़ेगा ट्रेन से उतरेगा, वही हाल इसका, यहाँ सोतेगा तो सुबह वहाँ से उठेगा, समझे? ये कहाँ सोता और कहाँ उठता है आपको ये भी दिखा देंगे एक दिन। ठीक है दोस्तों खाना खाते हैं अभी। अभी वहाँ से खाना वाना खा के चले थे, मौसम ठंडा हुआ था, यहीं अपना ढाबा यहीं रुकते हैं, यहीं चाय पीते हैं, तो शाम में तो चाय पीते ही है। और सबसे बड़ी बात 50,000 सब्सक्राइबर का आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई, आप लोगों के कारण ही, आप लोगों के प्यार के कारण ही इतना जल्दी हुआ है 50,000, आगे भी और होगा, तो आप लोगों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों आप लोग पूछते थे कि झारखंड में कहाँ से हैं, तो झारखंड रामगढ़ से हम हैं, पहले भी बता चुके हैं, तो बहुत लोग कमेंट करते हैं कि झारखंड कहाँ से हैं, कौन से ज़िला से हैं। एक बोकारो से एक भाई साहब मैसेज करते हैं कि झारखंड में कहाँ से हैं, तो बताते हैं उनको भी कि झारखंड रामगढ़ ज़िला से हम आते हैं। और सब्सक्राइबर का लेकर के बहुत बहुत धन्यवाद, इतना जल्दी 50,000 पूरा होने का आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप ही लोग का प्यार है ये सब, आप ही लोग प्यार कारण हो रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप लोगों को, और आगे भी ऐसे कार्रवाई चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों चलते हैं, शाम हो गया, बहुत बहुत ठीक है दोस्तों निकलते हैं, चाय हो चुका है, पानी उनी रेडी वाटर में डला गया है, अब घाटी है आगे, तो घाटी चढ़ने से पहले ये सब देखना जरूरी है, गर्मी है, रेडी वाटर में पानी वगैरह है कि नहीं है, कि खलासी लापरवाही किया है, तो ये सब जरूरी है। तो पानी में डाला अभी वो लड़का, अभी सो के उठा, अभी बोलता रात भर गाड़ी चलाया है ना, रात भर गाड़ी चलाया है, अभी बोल रहा लापरवाही करते हैं। हम आके देखे थे रेडी वाटर में पानी उनी नहीं था, मोबिल नहीं था गाड़ी में, मतलब हम नहीं आता और 1-2 महीना तो गाड़ी नुकसान हो ही जाता, 80-85,000 का खर्चा डील कर देता है लोग। वही बात है ना कि कहता है कि वो नहीं था तो नुकसान हो जाता, किसी बदलत कोई काम रुका है कभी नहीं, किसी का बदलत से काम नहीं रुका है, लेकिन हम रहते थे मोबिल फुल रहता था, पानी फुल रहता था, आज देखिए मेरा रेडी वाटर में 1 दिन में 3 मग्गा पानी पी रहा है,
और वो महीना में 5 मग्गा पानी पीता है। आज मेरा एक दिन में 3 मग्गा करके डेली पानी पीता है। रेडी मटर तो नुकसान हो चुका है, एक तो मोबिल कम है, देखे जब आए गाड़ी में चढ़े तो देख रहे मोबिल पानी उनी कम है। तो हम बोले आप एक दो महीना और नहीं आते, जो चेक चाकी लोग नहीं करता तो खराब हो जाता। 80-85 लाख का गाड़ी नहीं है, 80-85 हज़ार का काम होता। देखे ना, 80-85 लाख, 80-85 लाख का गाड़ी नहीं है, 80-85 लाख, सुन रहे ना, हम 80-85 हज़ार का बात कर रहे, लाख का बात नहीं कर रहे। 80-85 आने से पहले आप लोग एक वीडियो देख चुके थे, मेरा लड़का खुद अपने हाथ से मोबिल वगैरह डाल रहा था, आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिएगा। तो मोबिल वगैरह डाल रहा था तो मोबिल क्यों कम बता रहा है, रेडी वाटर में पानी क्यों कम बता रहा है? गर्मी के कारण, गर्मी में थोड़ा पीता है। गर्मी इतना तो गर्मी हम झेले हैं, मेरा इतना तो हम लोग रहते भी तो रेडी वाटर में पानी नहीं पीता है। इंजन गर्म जब होता है चलने के बाद तो थोड़ा सा मोबिल साइड में जो गर्म होता है इंजन, थोड़ा जलता भी है, तो थोड़ा मोबिल पानी उस समय गर्मी में ज़्यादा खाता है, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इस पर भी मेरे और भी जितने ड्राइवर भाई लोग हैं उन लोगों के लिए जानकारी देते हैं, गर्मी में ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि मोबिल, आप अगर आप इंतजार करते हैं मोबिल नहीं खाता है तो गलत बात है। गाड़ी जब गर्म होता है तो आप अगर किसी डेक्ची में, हंडी में पानी रख दीजिएगा तो वैसे के वैसे पड़ा रहेगा, और किसी आग में रख दीजिएगा तो वो पानी सूखता है। वही इंजन में है, थोड़ा गर्म के कारण मोबिल जलता भी है, तो ये चीज़ पे जरूर ध्यान दीजिएगा, इससे आपका इंजन का बचत है। और पानी मोबिल जरूर बहुत ज़रूरी है, जैसे इंसान को पानी पीना जरूरी है, खाना खाना जरूरी है, तो गाड़ी के लिए मोबिल पानी बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर से गर्मी में। गर्मी में ये चीज़ को चेक करके चलना चाहिए, कोई भी घाट चढ़े तो पहले ये चीज को जरूर ध्यान दे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, घाट चढ़ते हैं। अभी हम लोग यहाँ मंदिर पे आए हैं दोस्तों, तो घाटी चढ़ने या उतरने टाइम एक बार ज़रूर दर्शन करना चाहिए माँ का। यहाँ पे माँ दुर्गा का मंदिर है, तो जब भी घाटी चढ़ना या उतरना होता है तो इनका एक बार दर्शन करके ज़रूर जाना होता है ड्राइवरों को। तो हम लोग तो करते हैं, बाकियों का नहीं पता। यहाँ घाटी है तो एक बार इनका माँ का दर्शन करना तो ज़रूर बनता है जाने से पहले। दर्शन हो गया दोस्तों, हम बस जा रहे हैं। वहाँ से होटल से चलने के बाद दोस्तों, घाट चढ़ने के बाद आए हैं पत्थल गांव। रात के 10 बज गया है, यही खाना वाना बना, अभी भिंडी का भुजिया, आलू चिप्स यही सब है, यही खा पी के अभी आराम करेंगे। रास्ता में रोड बन रहा है, थोड़ा बारिश भी हो रहा है तो पता नहीं चलता है, तो रुकना पड़ेगा। फिर यहाँ से उठेंगे 4 बजे सुबह, फिर चलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, सुबह मिलते हैं, कहाँ सुबह होता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह का 7 बज गया है, 4 बजे निकले थे वहाँ से, थोड़ा रुके हुए यहाँ पे, टायर चेक करा रहे हैं। गिट्टी वगैरह रोड में बहुत ज़्यादा है, तो ये सब भी देखते रहना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं दूसरे नए वीडियो पे, तब तक लिए बाय बाय।